सियासत में बयान किसी और परिपेक्ष में दिया जाता है, लेकिन उनके मतलब कहीं और के लिए होते हैं। जेडीयू के नेता शिवानंद तिवारी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर ऐसा ही एक बयान दिया है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू में फिर तलवार खिंचती लग रही है। तिवारी ने जो भागवत की तुलना वैसी से कर दी है, उसी को लेकर अब शुरू हो गया है बवाल। देखिए, आरएसएस सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, आरएसएस मुसलमानों में भी है। और मोहन भागवत और ओवैसी, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये अकबरुद्दीन ने तस्लीमा नसरीन को हैदराबाद में पीटा था, वो टेलीविजन पर हमने वो दृश्य देखा था। इसके अलावे भी ये लोग, ये पूरी की पूरी पार्टी जो है वो हेट्रेट को बना करके, एक तरफ हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेट पैदा करके, और दूसरे तरफ मुसलमानों के मन में ये पैदा करके कि साहब इस्लाम से बड़ा कोई चीज नहीं है, और ये जो लोग हैं ये काफिर हैं, इस तरह का भावना पैदा करके दोनों अपने अपने समाज में अपना नेतागिरी कायम करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक जो है बना करके रखना चाहते हैं, उसी का ये नतीजा।